हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके पास लाया हूँ बहुत तरह का हेडफोन। तो देख सकते हैं, ये रहा एक हेडफोन और ये रहा कुछ हेडफोन जो UNI का है या बोट का भी हो सकता है, कोई भी तरह का हेडफोन हो सकता है। तो दोस्तों, आपका जो हेडफोन होता है उसमें ज़्यादातर जो समस्या होता है, आपका वन साइड काम नहीं करता। तो देखिए, यहाँ पर जो है एक क्वालिटी हेडफोन है, ये लोकल हेडफोन होता है और ये भी लोकल हेडफोन है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसको मैंने ओपन किया है। तो देखिए, इसमें जो लोकल हेडफोन होता है उसमें बैटरी का साइज़ जो होता है बहुत ही छोटा होता है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही छोटा साइज़ का बैटरी का दिया हुआ है, जिससे इसका बैकअप जो है अच्छा नहीं होता। तो नॉर्मल साइज़ का हेडफोन जो है ठीक है, लेकिन बैकअप अच्छा नहीं है। तो ये वाला जो हेडफोन देख सकते हैं दोस्तों, इसका दोनों साइड ही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों साइड ही जो है काम नहीं करता। आज इसे रिपेयर करेंगे तो देखे आएंगे कि यहाँ पे आपको रिपेयर कैसे करना है, और आपका अगर बैटरी ख़राब हो जाए इसमें कौन सा बैटरी आप डाल सकते हो, और इसमें जो ये हेडफोन देख सकते हैं इसका वायर अगर कट जाए इसे कैसे आपको चेक करना है। यहाँ पे मेरे पास जितना भी बैटरी है वो ओरिजिनल बैटरी है, और ये जो बैटरी है ये लगभग आपको एक साल का वारंटी के साथ मिलता है। तो देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो है बहुत तरह का बैटरी है, लगभग जो है 200 mAh है, 250 mAh है। तो इसमें जितना भी बैटरी है वो बोट का बैटरी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जितना भी बैटरी है, ये वाला बैटरी बोट का है, और देख सकते हैं ये वाला बैटरी भी बोट का है। तो ये ब्रांडेड जो है बैटरी है, ये बोट का है। तो इसका जो बैकअप है ये लगभग आपको 12 से 13 घंटे का बैकअप देगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला बैटरी जो है ये 200 mAh का है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बैटरी लगाना है आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जितना साइज़ का आपका जगह होगा उतने साइज़ का ही आपको यहाँ पे बैटरी लगाना है। तो आप इसमें अच्छा सा क्वालिटी का बैटरी लगा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे अगर ये पावरफुल वाला बैटरी आप लगाओगे, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं बोट का बैटरी अगर लगाओगे वो भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन साइड में नहीं आएगा। तो आपको इससे छोटा जो बैटरी होता है ये वाला, ये यहाँ पे लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे जो बैटरी है लगाने से पहले, ये दूसरा बैटरी देख सकते हैं, यहाँ पे लोकल बैटरी लगा हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट जो होता है वो नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन का जो सर्किट होता है वो नहीं है, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका छोटा सा सर्किट जो होता है लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, ये डायरेक्ट जो है सोल्डर किया हुआ है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे जो देख सकते हैं ये वाला वायर, तो यहाँ पे आपका जो सोल्डरिंग है वो खोलना होगा, और यहाँ पे इस तरह का जो देख सकते हैं वायर लगा हुआ होता है ज़्यादातर में, तो इसमें लगाना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी इसमें सर्किट होता है। तो जितना भी हमारा ये बैटरी है इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एक करके सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सर्किट आपको जो देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा सर्किट लगा हुआ है। ये सर्किट जो है बैटरी को प्रोटेक्ट करता है और आपका बैकअप जो है ज़्यादातर देता है। ठीक है, ये वाला हेडफोन में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है वन साइड नॉट वर्किंग होता है। तो देख सकते हैं, ये एक U1 का हेडफोन है, क्वालिटी ब्रांड है, और ये लोकल है। तो दोस्तों, इन दोनों में ही जो है वन साइड प्रॉब्लम है, इसमें तो दोनों साइड ही काम नहीं कर रहा है। तो आपको पहले ये वाला ब्रांडेड दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले देख सकते हैं ये वाला साइड, तो ये वाला साइड जो होता है ये आपका सर्किट का साइड होता है, और ये वाला जो साइड होता है ये आपका बैटरी का साइड होता है। तो सिंपल सा आपको एक पतला सा नाइफ लेना होगा, पतला सा नाइफ जो लेके आपको देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट जो है, जॉइंट को आपको खोलना होगा। ठीक है, पहले आपको अच्छे से यहाँ पे जॉइंट को खोलना होगा। और दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि इसके अंदर सर्किट होता है। तो देखिए, मैंने धीरे धीरे यहाँ पे इसका जॉइंट जो है खोल लिया है, तो आपको भी इसी तरह से इसका जॉइंट जो है खोलना होगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसका जॉइंट भी पूरी तरह से ओपन कर दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसका सर्किट जो है पूरी तरह से ओपन कर दिया है, और यहाँ पे जो हेडफोन है इसमें ये वाला साइड जो है काम नहीं कर रहा है, ये वाला साइड जो है काम कर रहा है। तो सिंपल से आपको देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा साइड का जो हेडफोन का वायर है वो अंदर से गया है और यहाँ पर आके जुड़ा है। तो आपको पहले हेडफोन का जो देख सकते हैं यहाँ पर जो रबर का बर्ड्स होता है उसे हटाना है, उसके बाद आपको एक प्लस लेना है या कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले दबाना है, दबाने के बाद आपको एक इस तरह का जो देख सकते हैं प्लस होता है, दूसरा प्लस, कटिंग प्लस, तो इसे ऐसे धीरे से खोल लेना है। तो खोल लेने के बाद दोस्तों, ये जो काम है ये आपको अच्छे से करना होगा, और खोल लेने के बाद आपको देखना होगा कि इसमें जो वायर है वो ठीक है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे जो वायर है इसे ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर भरा लूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको स्पीकर जो है, ये बहुत ही छोटा सा स्पीकर होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वायर जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन जो होता है वो प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना भी ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, ये अंदर से इसका वायर जो है कट जाता है। तो इसे चेक करेंगे, पहले दो चीज़ हो सकता है, या तो यहाँ पे से ये बैंड होके कट गया है, या तो इस तरह से जो यहाँ पे देख सकते हैं बैंड होता है यहाँ पे कट गया है। तो इन दोनों जगह पे आपको चेक करना होगा। तो पहले हम यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है,
तो आपको नॉर्मल सा जो है नाइफ लेना होगा या कैंची लेना होगा। तो यहाँ पे आपको कट लगाना है, देख सकते हो वायर है, इसे थोड़ा सा काटना है, उसके बाद यहाँ पे इसका वायर जो है छील लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो वायर दिख जाएगा, देखिए दो वायर, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वायर जो है कट किया था, वहाँ से मैंने थोड़ा सा शोल्डर कर दिया है। तो इसका जो ये वाला देख सकते हैं हमारा स्पीकर है, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वायर जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा था, तो मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर बीप करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ये फिर से यहाँ पे काटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर से काटना पड़ेगा, तो पहले हम यहाँ पे लगाएंगे, अगर यहाँ पे चलेगा तो ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखा है, अब हम यहाँ पे दोनों प्रॉब लगा के चेक करेंगे कि ये बीप हो रहा है कि नहीं। अगर ये बीप होगा तो ये ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये कंटिन्यूटी टेस्टर है तो यहाँ पे बीप कर रहा है, मतलब ये वाला तार अभी जो वायर है ये ठीक है, मतलब समस्या जो था यहाँ पे। तो दोस्तों आपको करना ये है, जहाँ पे आपका जो ये बेंडिंग है ज़्यादा होगा तो वहीं पे आपको कट लगाना होगा, ठीक है। कट लगा के उसका वायर जो है अलग करके फिर से सोल्डर करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एक्स्ट्रा वायर का जो है पॉइंट है, तो यहाँ पे हम डिसोल्डर कर देंगे, क्योंकि हमें ऊपर का जो वायर मैंने कट किया था और न्यू से सोल्डर किया है उसे लगाना है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला वायर जो है डिसोल्डर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसोल्डर कर देने के बाद ही आपको यहाँ पे फिर से ये वाला वायर सोल्डर करना है, तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों वायर आपको सिर्फ लगा देना है। तो दोनों वायर लगा देने के बाद ही आपका जो ये हेडफोन है ये फिर से काम करेगा। ये वाला वायर जो है फिर से सोल्डर कर दिया है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो वायर है इसे आपको अलग करना होगा, तब से आपको ये जो वायर है एडजस्ट करना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्लिप आपको लगा देना है, लगा के जो है थोड़ा सा दबा देना है, तो ही आपका यहाँ पे जो सेटअप पहले जैसा था वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये वाला क्लिप जो है लगा दिया है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करना है, तो ये प्रेस करने के बाद ही ये देखिए पूरी तरह से जो है एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दबाने के बाद आपको यहाँ पे प्लस से जो है या कटिंग प्लस से जो है कट कर देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है वायर अटैच कर दिया है, अब आपको इसका ऊपर का जो ढक्कन था इसे लगाना है और नीचे का भी ढक्कन जो है वो लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका ढक्कन इस तरह से लगा हुआ था, तो इस तरह से लगाना है, और इसका बैटरी जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर इसका सर्किट जो है पीछे लगाना है, और उसके बाद आपको बैटरी जो है यहाँ पर अच्छे से बिठा देना है ताकि कोई किसी से टच ना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, उसके बाद आपका जो ऊपर का ढक्कन है इसे लगाना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर का जो ढक्कन है इसे आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है जैसे लगा हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो सेटअप है वो रेडी हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये वाला वायर जो खोला था इसे आपको सिंपल सा दबा के जो है फिर से लगा देना है। तो ये सिंपल सा इसके हिसाब से पहले देख लीजिए कहाँ पर इसका पॉइंट जो है टच होता है, उसके हिसाब से आपको लगाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे इसका सर्किट जो है पीछे लगाना है, और उसके बाद आपको बैटरी जो है यहाँ पे अच्छे से बिठा देना है ताकि कोई किसी से टच ना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, उसके बाद आपका जो ऊपर का ढक्कन है इसे लगाना है। तो यहाँ पर इसके ऊपर का जो ढक्कन है इसे आपको यहाँ पर ऐसे लगाना है जैसे लगा हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो सेटअप है वो रेडी हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये वाला वायर जो खोला था इसे आपको सिंपल सा दबा के जो है फिर से लगा देना है। तो ये सिंपल सा इसके हिसाब से पहले देख लीजिए कहाँ पे इसका पॉइंट जो है टच होता है, उसके हिसाब से आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपको घुमा के इस तरह से इसको फिक्स करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरह से फिक्स कर दिया है, अब इसे आप ट्राई कर सकते हैं। सर्किट जो है अच्छे से लगा दिया है, तो देखिए अब हम यहाँ पर ये ऊपर का जो ढक्कन था तो इसे लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो ये ब्लूटूथ है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।